वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, शॉकिंग ट्रीटमेंट होता है मारने के लिए, और जैसे पानी की पीएच बढ़ेगी तो रिवर्स, ये दोनों रिवर्सिबल रेट्स हो, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों रिवर्सिबल रेट, 8.3 से कम होगी पीएच हाइड्रोक्साइड और 8.3 से बढ़ जाएगी 8.3 से तो फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगी Every 2 or 3. अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये हमारे मुल्क में काम कर रही है, दुनिया में काम कर रही है, दुनिया में हर जगह इस तरह का काम नहीं होता, इनको पता है कि ये हमने यहाँ भेजना है, हमारा कभी गर्व लेकिन ये कर रहे हैं अपनी जिनसे, वो तो कहते हमारी SOP ये है कि हम अपनी SOP को यूँ करते हैं। तो सर इनका R&D डिपार्टमेंट क्या करता है?